दोस्तों, आपने कभी ना कभी काकभुशुंडी नाम जरूर सुना होगा। कौवे के रूप में दिखने वाले काकभुशुंडी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और उनको वरदान था कि वो समय और स्थान, जिसे आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम कहते हैं, वो उससे बाहर जा सकते थे। वो समय के बाहर जाकर समय के बनने और बिगड़ने की साइकिल को देख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी है और हर बार उन्होंने कुछ अलग देखा है। काकभुशुंडी जी ने गिद्धराज गरुड़ को भगवान राम की महिमा के बारे में बताया था, क्योंकि गरुड़ को भगवान राम के भगवान होने पर शक हो गया था। मैं काकभुशुंडी जी के बारे में इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि जिस मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डायलेशन के बाद विदेशी करते हैं और इंटरस्टेलर जैसी मूवी बनाते हैं और हमें आश्चर्य होता है, वो सब हमारे पुराणों में है। पद्म पुराण, भागवत पुराण और योग वशिष्ठ में ब्रह्मांड को लेकर इन सभी चीजों का विवरण है। और चूंकि काकभुशुंडी जी कौवे के शरीर में वास करते हैं और किसी भी जन्म में आ या जा सकते हैं, इसलिए हम श्राद्ध के समय कौओं को खाना खिलाते हैं, जिससे वो हमारी आस्था को हमारे मृतक जनों के नए जन्म में पहुंचा दें। दोस्तों, ऐसे विज्ञान से जुड़े हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।